हेलो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं सेट थ्योरी एन क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स वन पॉइंट साइज ठीक है देखिए इसके पहले का जो कंसेप्ट है कि सेट क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स हम पढ़ चुके हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे उसको देख लीजिएगा आज हम बात कर रहे हैं सबसेट की देखिए सबसेट क्या होता है सबसेट नाम से लग रहा है सेट का एक छोटा सा पार्ट तो सबसेट होता है अगर ए और बी दो सेट हैं और ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, हमने ऐसा नहीं बोला बी के एलिमेंट ए में है ऐसा नहीं बोला ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक सेट ए ले लेता हूं वन टू थ्री और एक बी ले ले लेता हूं वन टू थ्री फोर तो हमने क्या कहा ए के सभी एलिमेंट बी में है ऐसा नहीं बोला कि बी के एलिमेंट ए में है तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी अब सबसेट के साइन में एक गड़बड़ है एनसीआर सबसेट का यह साइन बनाती है सही है लेकिन एक गड़बड़ है यहां पर वो हम बाद में बात करेंगे सबसेट का साइन ये बनता है क्यों क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है तो यानी इक्वलिटी भी उसमें हो सकती है ठीक है तो ए बी का सबसेट है एक हमने बात की थी नल सेट की नल सेट जिसको कि इंडिकेट किया था हमने फाइ से यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है यानी फाइ सबका सबसेट होता है तो अगर हम सबसेट निकालना चाहें अभी जरा थोड़ा सा आप समझिएगा इस साइन के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि एनसीआरटी सबसेट का साइन ये बनाती है ठीक है अब यह साइन किसी और का है वो भी हम बात करेंगे अब जरा एक आध एग्जाम्पल समझिएगा जैसे मैंने सबसेट सुन में आ गया क्या होता है जैसे हमने कहा कि एक एग्जाम्पल लिया हमने हमने एक सेट दिया एक्वल टू वन टू यानी इसमें दो एलिमेंट हमने लिए और हमने कहा बताओ इसके सबसेट्स कितने होंगे तो उसके सबसेट्स सबसेट्स तो एक तो फाइव नल सेट नल सेट सबका सबसेट होता है हमने क्या कहा भाई फाइव के वो एलिमेंट जो इसमें हो अब फाइव में कुछ होता ही नहीं है तो फाइव सबका सबसेट होता है एक हम इसका एक एलिमेंट निकाल लें वन तो वन भी ए का सबसेट होगा नहीं होगा एक हम इसका एलिमेंट निकाल लें टू तो टू भी इसका सबसेट होगा और ये सेट अपने आप का भी सबसेट होता है बस ये सेट अपने का भी सबसेट होता है इसीलिए सबसेट के साइन को ऐसे बनाया जाता है यानी जहां पर इक्वलिटी ऑफ सेट आ जाता है ई सेट इज दबसेट ऑफ इट सेल्फ वहां यह साइन बनता है एनसीआर इसको नहीं बनाती लेकिन आप बनाइएगा फिलहाल और यह साइन किसको रिप्रेजेंट करता है वो अभी हम बताएंगे अच्छा इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स वन टू थ्री फोर इसमें कितने एलिमेंट हैं दो एलिमेंट है अगर दो एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट टू टू पावर टू हो ये जो पावर है ना ये नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है यानी कितने सबसेट इसमें है फोर सबसेट इसमें है। एक और एग्जांपल लेते हैं अगर हम यही सेट ले लें और इसमें तीन एलिमेंट ले लें वन टू थ्री और हम कहें इसके सबसेट्स निकालो सबसेट्स तो जैसा कि हमने बताया कि फाइव इसका सबसेट है एक बार इससे एक एक एलिमेंट निकाल के एक सेट बनाओ वन वन भी एक सेट है वन इसका सबसेट है क्योंकि वन इसके अंदर है टू टू भी ए का सबसेट है थ्री थ्री भी ए का सबसेट है तो वन वन एलिमेंट हो गए अब दो दो एलिमेंट ले लो वन टू वन टू भी इसका सबसेट है वन थ्री भी इसका सबसेट है थ्री भी इसका सबसेट है और ये खुद अपने आप का सबसेट है तो अगर आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट है थ्री एलिमेंट है तो अगर मैं कहूं कि कितने सबसेट होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, तो हम बता चुके हैं टू टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट एट सबसेट होंगे देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है ठीक है मेथड होता है अब एक होता है प्रॉपर सबसेट बस ये प्रॉपर सबसेट का साइन है तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है जरा समझिएगा ये तो सबसेट हो गया इसको नोट कर लीजिएगा इसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि इक्वलिटी नहीं होती मतलब हर एलिमेंट होगा हर सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता तो जैसे हमने कहा ना कि हर सेट अपने का सबसेट होता है वो यहां पर नहीं होगा तो अगर मैं आपको ये सेट दे दूं और आपसे कह, कह दूं कि इसको प्रॉपर सबसेट लिखिए तो प्रॉपर सबसेट फाइव होगा वन होगा टू होगा लेकिन वन टू नहीं होगा प्रॉपर सबसेट में ये वन टू यहां पर नहीं आएगा तो अगर ए और बी दो सेट हैं और ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन होता है प्रॉपर सबसेट का साइन होता है ठीक है बस सेट सबसेट और प्रॉपर सबसेट यही अंतर है और एनसीईआरटी में यही वाला साइन बनाया है ठीक है अब जैसे दूसरा एग्जांपल हमने ये वन टू थ्री लिया अच्छा प्रॉपर सबसेट किस। किस कितने होंगे इसमें अगर मैं कहूं इसमें कितने प्रॉपर सबसेट होंगे प्रॉपर सबसेट तो जितने सबसेट होते हैं उसमें से एक कम कर दीजिए तो यहां थ्री प्रॉपर सबसेट होंगे जैसे ये वन टू थ्री है और मैं कहूं इसमें कितने प्रॉपर सबसेट होंगे इसमें कितने प्रॉपर सबसेट होंगे टू टू पावर थ्री माइनस वन यानी सेवन हो जाएंगे इसमें यह वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा अगर मैं कहूं इसके प्रॉपर सबसेट लिखिएगा तो इक्वलिटी वाले एलिमेंट हट जाएंगे तो ये हो गया सेट सबसेट और प्रॉपर सबसेट अब देखो प्रॉपर सबसेट में ए हमेशा बी से छोटा होगा ए हमेशा बी से छोटा होगा इक्वलिटी यहां पर नहीं होगी तो जरा यहां पर एक कंसेप्ट है उसको समझ लीजिएगा अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है यानी बी हमेशा ए से बड़ा होगा क्योंकि तो सबसेट में तो इक्वलिटी भी हो सकती है तो देखिए एक नोटिंग में समझाता हूं जरा समझिएगा इफ ए इज प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज सेट टू बी इसको सुपरसेट कहते हैं सुपर सेट ऑफ यानी बी जो है वो ए का सुपर सेट होगा क्योंकि ए सुपर डुपर होना ही होना है क्योंकि ए बड़ा होगा ए जानता है बी हमें सॉरी हम बी जानता है ए हमेशा हमसे छोटा होगा सबसेट में इक्वल भी हो सकता है इसलिए वो सुपीरियरिटी नहीं दिखाता अपनी लेकिन यहां बी अपनी सुपीरियरिटी दिखाता है तो बी सुपर सेट होता है तो ये तो हो गया आपका सबसेट क्या होता है प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है ठीक है जरा आगे कॉन्सेप्ट समझिएगा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं और आगे इनका इस्तेमाल भी होगा ध्यान से समझिएगा एक होता है इंटरवल इंटरवल अंतराल जरा समझने की कोशिश करिएगा जैसे हमने रियल नंबर की बात की वास्तविक संख्याओं की बात की हमने का वन से लेकर के हंड्रेड तक नंबर लिखिए अब वन से लेकर के हंड्रेड तक नंबर कैसे लिखोगे आप तो आप कहेंगे वन पॉइंट वन वन पॉइंट जीरो 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 वन अरबों नंबर होंगे नहीं लिख सकते हम तो इंटरवल हम लिखते कैसे देखिए इंटरवल दो प्रकार के होते हैं एक होता है ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल खुला अंतराल ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में होता क्या सावधान पहले क्लोज की बात करते हैं क्लोज इंटरवल क्लोज में क्या होता है अगर ए और बी के बीच का इंटरवल चाहिए तो क्लोज इंटरवल में हम एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा देते हैं. ये क्लोज इंटरवल है मतलब क्या हुआ एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए एंड लेस आर इक्वल टू बी वर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब इसमें ए और बी के बीच के सभी एलिमेंट लेने हैं उसमें ए और बी भी लेना है ये ध्यान रखिए मतलब बाउंड्री एलिमेंट भी यहां पर आपको लेना है ये ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल होता है ठीक अगर इसी को नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं आप नंबर लाइन आप बहुत छोटे क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं तो ये ए है ये बी है और इसके बीच नंबर को लाइन को डार्क कर दीजिए अब बात करते हैं ए और बी की ए को लेना है तो ए को भी डार्क कर दीजिए और बी को भी डार्क कर दीजिए तो ये होता है क्लोज्ड इंटरवल बंद अंतराल इसको हिंदी में कह सकते हैं बंद अंतराल ठीक है दूसरा होता है ओपन इंटरवल खुला अंतराल ओपन इंटरवल में क्या होता है कि मुझको ए और बी के बीच के नंबर चाहिए लेकिन बाउंड्री एलिमेंट नहीं लेंगे आप मतलब ए बी को छोड़ देना है आपको जैसे वन और हंड्रेड के बीच नंबर लेना है वन को नहीं लेना है और वन पॉइंट नाइन नाइन कुछ भी ले सकते हो लेकिन वन नहीं लेना है सॉरी वन पॉइंट जीरो 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 वन लो लेकिन वन नहीं लेना है आपको तो हम क्या करेंगे ए कॉमा बी लिखेंगे और इसको स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं या तो ऐसे बनाइए या दूसरा इसका तरीका होता है कि हम ये जो क्लोज इंटरवल है ना इस इंटरवल को उल्टा बना देते हैं ऐसे अब कभी ऐसा ब्रैकेट बना हो तो ये ना समझिएगा कि ब्रैकेट प्रिंटिंग मिस्टेक है वो ओपन इंटरवल हो सकता है ठीक है ये ओपन इंटरवल होता है इसका मतलब क्या होता है कि हमको ए और बी के सभी एलिमेंट लेने हैं अगर हमसे बात नेचुरल नंबर की करते और वन से हंड्रेड तक करते तो क्लोज में वन टू थ्री फोर फाइव अप टू हंड्रेड लिखते हैं हम ओपन में वन और हंड्रेड को छोड़ देते टू से लेकर के नाइनटी नाइन तक लेते ठीक है तो ओपन में हम क्या करेंगे इसको अगर हम लिखना चाहें सेट थ्योरी में तो एक्स दैट एक्स इज ग्रेटर बी वेर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर मतलब ए बी को नहीं लेना है अब इसी को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन खींचिए ये ए है ये बी है अब ए और बी को छोड़ देना है तो ए के ऊपर एक सर्कल खींच दीजिए डार्क न, न करिएगा इसको बी के ऊपर सर्कल खींचेगा और ये डार्क कर दीजिए सर्कल का मतलब होता है ए और बी को नहीं लेना है ए बी को कंसीडर नहीं करना है और इस डार्क का मतलब होता है ए बी को कंसीडर करना है ठीक है कहीं कहीं पर सेमी ओपन होता है आधा खुला और आधा बंद तो वो कैसे लिखा जाता है इसको नोट कर लीजिएगा ओपन इंटरवल ये आगे चल के बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा इसको अब आते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज अगर सेमी ओपन की बात करें मतलब आधा खुला और आधा बंद सेमी ओपन कहें या सेमी क्लोज कहें सेमी ओपन बोले या सेमी क्लोज कहें सेमी माने आधा होता है बात वही है देखिए जैसे हमने कहा ये ए कॉमा बी और इधर हमने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाया और इधर स्माल लगाया अभी हम बता चुके हैं रेक्टेंगुलर का मतलब है कि ये एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा और ये एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी बोला हमने इक्वल बोले तो a लेना है और इज लेस देन b और b को नहीं लेना है जहां x बिलोंग करता है रियल नंबर ये नेचुरल भी हो सकता है इंटीजर भी हो सकता है या अगर उल्टा ऐसा लिखा हो इधर स्मॉल ब्रैकेट और इधर क्लोज हो तो इसका मतलब a को नहीं लेना है और b को लेना है तो कैसे लिखा जाएगा x सच दैट x is greater than a and less or equal to b where x belongs to real number तो ये semi close और semi open interval होते हैं ये इस exercise का concept है इसलिए theory बताई जा रही है इसको note कर लीजिए इसके बाद दो चीजें और हैं इसमें power set and universal set देखिए power set क्या होता है power set घात समुच्चय देखिए अभी हमने आपको सबसेट कहा किसी सेट के उप निकालने बताए सबसेट निकालना बताया अगर उन सभी सबसेट्स का सेट बना दीजिए आप सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स उसको पावर सेट कहते हैं क्या हुआ सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट सबसेट के सेट को पावर सेट कहते हैं जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हमने कहा एक सेट ए है वन टू तो पहले इसके सबसेट्स निकालो इसके सबसेट्स क्या होंगे एक तो फाइ होगा फाइ सबका सबसेट होता है एक वन वन एलिमेंट ले लो एक वन इसका सबसेट होगा एक टू इसका सबसेट होगा और ये खुद अपने आपका सबसेट होगा ये सबसेट हो गए उप अब आपको निकालना है पावर सेट घात समुच्चय। पावर सेट किसका आफ ए। सेट आफ ए पावर सेट को पी ए लिखते हैं। करेंगे क्या ये जितने सबसेट लिखे हैं आपने ये सबसेट लिखा है ये सबसेट लिखा है ये सबसेट लिखा है ये सबसेट लिखा, लिखा, लिखा है ये एक सेट के अंदर बंद कर दो ये पावर सेट होता है यानी एक तरीके से ये जो सबसेट लिखे थे ये इसके एलिमेंट हो गए इस सेट के अंदर जो होते हैं ये इसे वन ए का एलिमेंट है वन बिलोंग्स टू ए टू बिलोंग्स टू ए अब ये 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 सब पावर सेट के एलिमेंट होते हैं तो इसको हम कहते हैं पावर सेट ठीक है एक नया वर्ड है यहां पर यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय देखो हर सेट एक बड़े सेट का पार्ट होता है जैसे आपने कहा कि इंग्लिश वॉवेल्स का सेट बताइए तो आपने कहा ए ई आई ओ यू ठीक है तो ये कहाँ से आपने लिया ये इंग्लिश अल्फाबेट से लिया ए बी सी डी ई एफ जी उसमें निकले पंडित जी नहीं वो नहीं होता है तो ए से लेकर जेड तक लिया तो ए से लेकर के जो जेड तक लिया है वो आपका यूनिवर्सल सेट है ठीक है तो ये आपका कंसेप्ट है एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री बहुत जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें नन्ने मुन्ने नन्ना मुन्ना राही हूं देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद नहीं गाना हमको आता है वो मैं गंदा गंदा गा रहा हूँ एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का पहला क्वेश्चन ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है इन द सबसेट और नॉट सबसेट लिखना है कहते हैं आप कुछ स्टेटमेंट है उसमें सबसेट है या सबसेट नहीं है इसको भरना है देखो दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट होते हैं ये ध्यान रखिएगा तो जैसे पहला पार्ट है ये ये लिखा है टू थ्री फोर और दूसरा पार्ट है वन टू थ्री फोर फाइव अब बताओ टू थ्री फोर इसका सबसेट है कि नहीं है इसके सभी एलिमेंट इसमें है टू बी ए फोर बी ये सबसेट है अब जरा समझिएगा यहां पर अब मैं जानबूझ के इक्वल का साइन नहीं बनाऊंगा क्योंकि तो एनसीईआरटी काट देगा इसको क्या मतलब देखिए चूंकि इक्वल टू में क्या होता है इसके इक्वल होना चाहिए अब ये इसके इक्वल नहीं है हम जानते ही छोटा है इसलिए हम काहे के लिए कि साइन बनाए तो यह सबसेट है ठीक है <coughs> दूसरा पार्ट देखिए ए बी सी टम्बल डाउन डी द कैट इन द कपोर्ड एंड कांट सी मी एक पोयम है छोटे क्लास में हमने नहीं पढ़ी थी हमको याद है तुमको याद हो बताओ बी सी डी ए यहां पर नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता तो इट इज नॉट बस यही करना है सबसेट है या नहीं है उसे ही फिल करना है ठीक है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट देखिए इसका X such that X is a student ऑफ क्लास एलेवेंथ ऑफ योर स्कूल यानी कि इसमें आपके क्लास एलेवेंथ के सभी स्टूडेंट भरे हुए हैं ठीक और दूसरा कह रहा है कि X such दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और इसमें आपके स्कूल इस के सभी बच्चे भरे हुए हैं तो अब बताइए ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर है कि नहीं है भाई अलेवेंथ के स्टूडेंट स्कूल में ही तो आएंगे तो ये इसका सबसेट होगा इट इज पार्ट ठीक है आगे देखिए कर रहे हैं थोड़ा जगह चाहिए हमको आगे आते हैं फोर्थ पार्ट में ध्यान से पढ़िएगा कि पहला वाला सेट दूसरे के अंदर आ रहा है तो सबसेट नहीं आ रहा है तो नॉट सबसेट ठीक है देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है पहले का एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन यानी इस वाले सेट में किसी प्लेन के सभी सर्कल हैं जितने भी सर्कल हो सकते हैं जितने रेडियस के हो सकते हैं उसका सेंटर कुछ भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है और ये कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन इन द सेम प्लेन विद रेडियस वन यूनिट विद रेडियस वन यूनिट जरा समझिएगा थोड़ा सा लफड़े वाला क्वेश्चन है इसमें कोई भी सर्कल हो सकता है नहीं बहुत बड़ी फैमिली सर्कल के है और इसमें वो सर्कल है जिसका रेडियस वन यूनिट है ये तो छोटा है और हमने कहा यह पूरा का पूरा इसके अंदर होना चाहिए जी नहीं ये तो छोटा सा पार्ट है ये बहुत बड़ी फैमिली है तो यह इसका सबसेट नहीं है हां यह इसका हो सकता था लेकिन यह इसका सबसेट नहीं है जो हमसे कहा सबसेट है कि नहीं है इसलिए हमको बताना पड़ेगा इसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है एक्स सज दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन अब देखो यह सेट क्या रिप्रेजेंट करता है किसी प्लेन में बहुत सारे ट्रैंगल है कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है अगड़ बगड़ वाला जो भी हो सकता है और ये कह रहे हैं कि x सज दैट x इज a रेक्टेंगल रेक्टेंगल इन द प्लेन अब प्रॉब्लम है ट्राइंगल और रेक्टेंगल अलग अलग फैमिली के हैं तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर हो ही नहीं सकता है ये तो रेक्टेंगल की बात है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा सिक्स पार्ट क्या कर रहा है एक्स एज दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्स सज दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन यानी इसमें इक्वलेट्रल ट्राइंगल है हाँ साइड अलग अलग हो सकती है छोटा बड़ा जैसा भी हो सकता है लेकिन इक्वलेटरल ट्राइंगल है संभाह त्रिज कहते हैं और ये कह रहे हैं कि x सज दैट x इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन इन द सेम प्लेन और इसमें कोई भी ट्राइंगल है तो सिंपल सी बात है कि जब ये कोई भी ट्राइंगल है तो उसमें ये ट्राइंगल तो आएगा आएगा, तो ये इसका सबसेट होगा ये इसका सबसेट आएगा ये क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट है सेवेंथ पार्ट देखिए ये नोट कर लीजिए उंड सेवेंथ पार्ट कह रहा है एक्स एज दैट एक्स इज एन इवन natural नंबर एक्स एज दैट एक्स इज एन इवन natural नंबर बुक सामने रख लीजिएगा ज्यादा समझ में आएगा नेचुरल नंबर और ये कह रहे हैं कि एक्स सज दैट एक्स इज एन integer. इंटीजर ये पूर्णांक है अब देखिए इसमें सब इंटीजर भरे हुए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू और ये इवन है केवल तो 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 ये ये छोटा है पहले वाला इसका सबसेट होगा तो आपका पहला क्वेश्चन के सभी पार्ट हुए ठीक जरा सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं ट्रू फॉल्स है कुछ बोला है इन्होंने और कह रहे हैं कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स जो कि हमारी आदत रही है हम आंसर देख लेते हैं और याद कर लेते हैं टी एफ टी एफ 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 टी 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 एफ टी एफ 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 टी टी और यही याद करके एग्जाम में जाते हैं यहां ऐसा नहीं चलेगा ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स देखो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन पहले हम पार्ट लिखेंगे सब फिर हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए सेकेंड पार्ट कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ एक्स सज दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश एल्फाबिट एल्फाबिट थर्ड पार्ट कह रहा है वन टू थ्री इज द सबसेट ऑफ वन थ्री फाइव फोर्थ पार्ट कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी फिफ्थ पार्ट कह रहा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी सिक्स पार्ट कह रहा है <clears throat> X such that X is an even natural number and even natural number less than six is the subset of X such that X is a natural number Which विच which थर्टी सिक्स जरा पहले मतलब समझिएगा ये सिक्स पार्ट है और कोई पार्ट इसमें है नहीं सी पार्ट है <coughs> देखो ध्यान से क्या ये इसका सबसेट नहीं है ए बी यहां पर भी ए बी यहां पर सबसेट है ऐसा बोला नहीं है ये फॉल्स है ए e, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल है और इसमें सब वॉवेल है ये इसका सबसेट होगा ये टू है वन टू थ्री और ये वन थ्री फाइव ये इसका सबसेट है नहीं है क्योंकि टू यहां पर नहीं है तो ये फॉल्स है ए इसका सबसेट है, है ये टू है अब जरा समझिएगा एक सेट किसी सेट को बिलोंग नहीं करता दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं सुपर सेट हो सकते हैं प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं लेकिन बिलोंग नहीं कर सकते बिलोंग एलिमेंट करता है तो ये नहीं है ये नहीं लिखा जाएगा ये फॉल्स है अच्छा अब कहते हैं कि इवेंट नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स अब लेस देन सिक्स जो इवेंट नेचुरल नंबर होगा वो दो चार होगा दो चार और कह रहे हैं कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड थर्टी सिक्स यानी वो नेचुरल नंबर बताओ जो थर्टी सिक्स को डिवाइड करता है अब थर्टी सिक्स को वन भी डिवाइड करता है टू भी करता है थ्री भी करता है तो टू और फोर करता ही नहीं करता है टू तो फोर भी करता है तो यानी ये चीज ट्रू हो गई जाकर के ठीक है तो ये आपके ट्रू फॉल्स से स्टेटमेंट दे करके आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये नोट कर लीजिएगा थर्ड क्वेश्चन देखिए इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक जब सामने रखोगे तो अपने आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे क्योंकि इंग्लिश में एक को हिंदी में एक को ऐसे ही लिखा गया होगा उसमें ए डी वाली ए नहीं बनी होगी इसलिए उसमें ज्यादा मत होना कि वो तो इंग्लिश में बताया गया है एक सेट है वन टू थ्री फोर फाइव जरा ध्यान से समझिएगा थोड़ा टेक्निकल चीज है एक सेट दिया है वन टू थ्री फोर और फाइव पहली बात समझ लें आप वन इसका एलिमेंट है अवयव है टू इसका एलिमेंट है ये पूरा इसका एलिमेंट है ये ध्यान रखिएगा ये इसके अंदर है ये अलग से सेट नहीं है और फाइव इसका एलिमेंट है और कुछ बातें कहीं इन्होंने और कह रहे हैं बताओ कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई ठीक वाई तो लिख देंगे एलिमेंट उसका है देखिए पहला पार्ट कह रहे हैं कि थ्री फोर जरा देखिए थ्री फोर एक सेट नहीं है सेट हो सकता है लेकिन ये इसका एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है और ये कह रहे हैं कि ये सबसेट है ए का तो आप कहेंगे इट इज रॉन्ग क्यों आप कहेंगे एज थ्री फोर जो है ना वो ए को बिलोंग करना चाहिए क्योंकि इसका एलिमेंट है ये सेट नहीं है अलग से ठीक है दूसरा कह रहे हैं सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि थ्री फोर बिलोंग करता है आप कहेंगे ठीक हाँ, सही है करेक्ट है तीसरा आपसे कह रहे हैं देखो अब ये थ्री फोर है ठीक ये इसका एलिमेंट है अब इस एलिमेंट को अगर मैंने एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो एक सेट बन गया और ये सेट इसका सबसेट है इस सबसेट ऑफ ए ये सही बात है फिर फोर्थ पार्ट कह रहे हैं कि वन बिलोंग्स टू ए ठीक है इसका एलिमेंट है वन सही बात है फिफ्थ पार्ट कह रहे हैं कि भाई वन इज द सबसेट ऑफ ए कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता हां अगर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद होता तो बंद बन, बन जाता सेट तब सबसेट होता ये चीज गलत है सिक्स पार्ट क्या कह रहे हैं कि वन टू फाइव जरा समझिएगा वन इसका एलिमेंट टू इसका एलिमेंट फाइव इसका एलिमेंट तीनों एलिमेंट को मिलाया और हमने एक सेट के अंदर बंद कर दिया तो एक नया सेट तैयार हो गया अब यह सेट के एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो इसका सबसेट है सही बात है जहां पर सही बात है वहां पर सही बात है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट सेवेंथ यह कौन सा पार्ट है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पार्ट देखिए सेवेंथ में यही क्वेश्चन लिखा गया वन टू फाइव लेकिन कह रहे बिलोंग्स टू ए जी नहीं बिलोंग नहीं करता है क्योंकि वन टू फाइव अलग अलग तो ए को बिलोंग करता है लेकिन जब उसको आप सेट के अंदर बंद कर दोगे तो उसका एलिमेंट हो एक सेट बन जाता है और सेट किसी सेट का सबसेट होता है ठीक है एर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं वन टू थ्री वन टू थ्री इज द सबसेट ऑफ ए जी नहीं वन टू तो है थ्री नहीं है थ्री नहीं है ये पूरा एक एलिमेंट है ये थ्री नहीं है पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा तो इसलिए यह चीज गलत है नाइन्थ पार्ट क्या कह रहा है? फाई, फाई और जब फाइव को आपने एक सेट के अंदर बंद कर दिया अब यह फाइव सेट नहीं है, ये एक सेट हो गया, नया सेट जिसका है। और यह कह रहे हैं कि ये सबसेट ए है नहीं बात गलत है ये कुछ बातें हैं ये टेंथ पार्ट है ये इलेवेंथ पार्ट है तो समझ में आ गया ये नोट कर लें आप दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को खत्म कराएंगे आज नाइन क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन है क्योंकि एनसीआर है और एनसीआरटी आप जानते हो वो छोटे छोटे क्वेश्चन में होते हैं अगर डी डीप स्टडी करनी है तो आपको जाना पड़ेगा आर डी शर्मा के पास आर्य शर्मा इज वेरी गुड बुक ऑफ मैथमेटिक्स ठीक है इसको हम डिस्कस करेंगे देखिए फोर्थ में कह रहा है कि कुछ सेट्स दिए हुए हैं इनके सबसेट्स बताने अभी सबसेट निकालना हम बता चुके थे फोर्थ का पहला पार्ट है एक सेट है इसका नाम ए दे दो इसका एक एलिमेंट है ए अब इसके सबसेट्स बताओ तो अभी हमने बता दिया भाई फाइव इसका सबसेट होगा और ये खुद अपने आप का सबसेट होगा बस हो गया हमसे प्रॉपर सबसेट नहीं बोला उचित उपसमुच्चय। अगर प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तो फिर ए नहीं लिखा जाएगा इक्वलिटी नहीं होगी सेकेंड पार्ट में एक सेट दिया है इसका नाम दे दो बी और सेट दिया है ए बी और कह रहे हैं इसके सबसेट्स निकालो इसके सबसेट्स निकालो तो एक तो फाइव होगा एक वन वन एलिमेंट लिख दो और एक के खुद लिख दो तो ये इसके सबसेट्स हो गए एक होता वन टू थ्री ये हम बता चुके हैं बी इसका नाम दे दो सी वन टू थ्री और इसके सबसेट निकालने हम बता चुके हैं एक फाइव होगा एक वन वन एलिमेंट होगा एक एक एलिमेंट एक दो दो एलिमेंट होगा वन टू ये कर्ली ब्रैकेट है भैया थोड़ा सा जल्दी बनाने में दिक्कत हो रही है वन टू होगा एक दो एलिमेंट वन थ्री होगा ये ध्यान रखिए वन टू और टू वन अलग अलग बातें नहीं है एक ही बात है और एक टू थ्री होगा और ये खुद होगा वन टू थ्री और एक सेट है फाइ और फाइ का जो सबसेट होगा फाई होगा केवल ठीक है तो ये आपके सबसेट्स हो गए चौथा क्वेश्चन हो गया पांचवा क्वेश्चन देखिए नोट कर लिया इसको समझ में आ गया होगा कोई गलत बहुत टेक्निकल चीज नहीं है इसलिए बहुत डीप में हम नहीं जा रहे हैं फिफ्थ <coughs> क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए इफ ए इज इक्वल टू फाइव देखो जरा क्वेश्चन ए इज इक्वल टू फाइव ए जो है फाइव है ठीक है इसके सबसेट्स कितने होंगे सबसेट्स ये खुद होगा सबसेट होगा और अगर आपको पीए निकालना है तो हमने क्या कहा था कि आप इसके सबसेट का एक सेट बना दीजिए तो पीए में कितने एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं अब यो कितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट्स इन पीए कितने हैं एक एलिमेंट है तो एक हो गया जाकर के ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स में इंटरवल आपसे पूछ रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल अभी हम इंटरवल की बात कर चुके हैं ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ठीक है ध्यान से देखिएगा यहां लिखे दे रहे हैं सिक्स क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल देखो पहले पार्ट में कह रहा है कि एक्स सच दैट ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू आर वेर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर एंड लेस आर इक्वल टू सिक्स जरा ध्यान से समझिएगा ग्रेटर देन माइनस फोर है यानी इक्वल टू माइनस फोर नहीं है यानी माइनस फोर से स्टार्ट तो होगा लेकिन माइनस फोर को आपको नहीं लेना है कि इक्वल नहीं लगा हुआ है तो माइनस फोर को छोड़ना है तो ओपन इंटरवल और कहां तक जाना सिक्स तक सिक्स क्लोज इंटरवल ये तरीका होगा हाँ कभी कभी क्या करते हैं फिर हम बता रहे हैं कि माइनस फोर कॉमा सिक्स ये क्लोज और ओपन को उल्टा इंटरवल बता बनाते हैं कन्फ्यूज मत होइएगा सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वो रियल नंबर बोले चाहे नेचुरल नंबर बोले इंटरवल ऐसे ही लिखा जाएगा हां समझने के लिए ठीक है कि चार के बाद नेचुरल नंबर अगर अगरगे तो भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएगा लेकिन रियल नंबर में वन पॉइंट वन भी हो सकता है वन पॉइंट जीरो 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 अरबो नंबर आ सकते हैं उसमें ठीक है तो इसमें कहा गया इन्होंने एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ट्वेल्व एंड लेस देन माइनस टेन तो माइनस ट्वेल्व में भी इक्वल टू नहीं लगा हुआ है ये नंबर नहीं लेना है और माइनस टेन में भी इक्वल नहीं लिखा है तो दोनों ओपन होंगे माइनस ट्वेल्व से माइनस टेन तक ओपन इंटरवल थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे थर्ड पार्ट कह रहा है कि एक्स सज दैट एक्स बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या रियल नंबर वेर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन सेवन मतलब आपको जीरो से सेवन के बीच में नंबर लेना है जीरो लेना है सेवन नहीं लेना है तो जीरो में ओपन क्लोज और सेवन में ओपन फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है सच दैट बिलोंग्स टू 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 इज ग्रेटर आर आर इक्वल 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 एंड लेस देखो भी है यहां पर तो थ्री काम आर फोर क्लोज इंटरवल तो क्लोज ओपन समझ में आ गया है आपको इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है इंटरवल दे दिए हैं और आपसे कहा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए है ठीक है और कहा गया ये आपके रियल नंबर है तो देखो ध्यान से सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम जानबूझ करके इस पार्ट को रब कर रहे हैं और इस पार्ट को नहीं रब कर रहे हैं आधी चीज लिखी है इसलिए हम जानबूझ के कंजूसी कर रहे हैं देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है सेवेंथ का सेवेंथ का पहला पार्ट पहला पार्ट कह रहा है माइनस थ्री का जीरो क्या दिख रहा है ओपन इंटरवल मतलब माइनस थ्री से लेकर के जीरो तक लिखना है माइनस थ्री नहीं लेना है तो ये माइनस थ्री हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा और ये इक्वल टू नहीं आएगा तो ये पहले पार्ट का समझ में आ गया सेट बिल्डर फॉर्म सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है पार्ट कह सिक्स का मा ट्वेल्व क्लोज इंटरवल तो छ से लेकर के बारह तक नंबर लेना है रियल नंबर में जिसमें छह भी इंक्लूड होगा और बारह भी होगा यानी यहां पर सिक्स होगा और इक्वल टू होगा यहां पर बारह होगा और इक्वल टू होगा थर्ड पार्ट क्या करा ये कह रहा है सेकेंड पार्ट का आंसर है थर्ड पार्ट कह रहा है सिक्स का मा ट्वेल्व फिर लिखा हुआ है इधर ओपन है इधर क्लोज है तो यानी कि फिर वही नंबर आएगा सिक्स टू ट्वेल्व होगा लेकिन सिक्स ओपन है सिक्स में इक्वल टू नहीं होगा ट्वेल्व में इक्वल टू होगा ये थर्ड पार्ट का है फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं माइनस ट्वेंटी थ्री फाइव क्लोज इधर है इधर ओपन है मतलब यहाँ माइनस ट्वेंटी थ्री से लेकर के चूंकि क्लोज है इक्वल टू लगेगा और यहाँ फाइव ये ओपन है इसलिए इक्वल टू नहीं लगेगा तो ये आपके इंटरवल दिए हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है ठीक है नोट कर लीजिए समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से टेक्निकल चीज नहीं है इसलिए बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बाद क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कह रहा है कि एक दो चीजें दी हैं एक पार्ट दिया है द सेट ऑफ राइट ट्रेंगल्स राइट ट्रैंगल्स द सेट ऑफ राइट ट्रेंगल्स राइट मैंने सही नहीं राइट right ट्रैंगल ऐसे लिख रहे हैं और दूसरा दिया है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगलस <coughs> ऐसे नहीं होगा ट्रायंगल ऐसे लिख दो मतलब ये राइट ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये कह रहे हैं कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर से निकाले गए हो इसका मतलब एक बहुत बड़ा एक सेट दिया है जिसमें वो सारे ट्रायंगल्स हो सकते हैं उन ट्रायंगल्स में से वो ट्रेंगल निकाले गए जो ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल निकाले गए जिसकी दो साइड इक्वल है आप कहेंगे एक्स दैट x इज अ ट्रैंगल इन अ प्लेन मतलब तो प्लेन में बहुत सारे ट्रैंगल्स हैं कहीं पर भी हैं बहुत सारे हैं उनमें से ट्रेंगल निकाले गए ये यूनिवर्सल सेट हो गया ठीक है इन्थ क्वेश्चन कह रहा है ये नोट समझ में आ गया होगा जरा नाइन्थ क्वेश्चन देखिए द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट कहा जाता है चूंकि लास्ट बट नॉट लिस्ट लेकिन उसको लिस्ट ही समझिएगा कहता है गिवन ए दिया है वन थ्री फाइव नाइन्थ में एक सेट दिया है वन थ्री फाइव और एक सेट बी दिया है टू फोर सिक्स और एक सेट सी दिया है जीरो टू फोर सिक्स एट और कहते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट मतलब एक सेट दिए हुए हैं कुछ एक सेट दिया हुआ है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक दिया है फाइव एक दिया है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और एक दिया है आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये सेकेंड पार्ट है ये थर्ड पार्ट है ये फोर्थ पार्ट है कहते हैं इनमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा है नाम मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों सेट है ना वो किस वाले सेट से निकाले गए हैं देखो इससे ये तो निकाला नहीं ये आ रहा है इसमें इसमें एट नहीं है ना तो ये यूनिवर्सल सेट तो हो नहीं सकता फाइव तो किसी हालत में होगा ये यूनिवर्सल सेट होगा ये भी नहीं होगा इसमें जीरो नहीं है जीरो यहाँ लिया गया है ठीक है तो ये यूनिवर्सल सेट होगा तो इस प्रकार से ये वन पॉइंट थ्री हमने ख़त्म की नेक्स्ट टर्न नेक्स्ट एक्सरसाइज ओके डू योर वर्क थैंक यू